छतरपुर जिले में के नदी के टापू के बीच चट्टान पर एक बाबा बैठ गए। त्रिशूलगिरी महाराज हिमलौरी के हनुमान मंदिर में ट्रांसफार्मर लगवाने की मांग पर अड़े थे। लगभग एक माह पहले भी बाबा हनुमान मंदिर परिसर में ट्रांसफार्मर की मांग को लेकर अनशन कर चुके हैं और तब जनपद CEO गौरिहार और सरवई नायब तहसीलदार ने जल्द ट्रांसफार्मर लगवाने का आश्वासन देकर उनका अनशन तोड़वाया था। सिस्टम की लचर व्यवस्था और अधिकारियों की वादा खिलाफी के खिलाफ एक बार फिर बाबा ने विरोध प्रदर्शन किया। बाबा का कहना था कि ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा तब तक उनका धरना जारी रहेगा, चाहे उन्हें जल समाधि ही क्यों ना लेनी पड़े। गुरुवार की सुबह से बाबा धरना स्थल पर बैठ गए और उसके बाद जब जानकारी लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस की समझाइश और आश्वासन के बाद एक बार फिर बाबा का धरना खत्म हुआ। गौरिहार तहसील के अजीतपुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां केन नदी पर बने एक टापू की चट्टान पर बाबा बैठ गए थे। अब बड़ा सवाल यही है, क्या त्रिशूलगिरी बाबा के बार बार विरोध प्रदर्शन के बाद मंदिर परिसर में ट्रांसफार्मर लग पाएगा?